वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। कश्मीरी हस्तकला के इस नायाब नमूने को कांगड़ी कहते हैं। इसे बनाने में कितना वक्त और जतन करना पड़ता है ये देखकर आप समझ ही गए होंगे। इसे जितने करीने के साथ बनाया जा रहा है उतने ही सलीके के साथ इसका इस्तेमाल भी करना होता है। कांगड़ी घाटी में जाड़े के वक्त कश्मीरी लोगों की हम सफर होती है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे हवा के बिना आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, कश्मीरी भी इस कांगड़ी के बिना ठंड नहीं गुजार पाएंगे। कश्मीर में जब बर्फबारी होती है और तापमान -20 डिग्री के नीचे चला जाता है तब यही कांगड़ी कश्मीरियों को ठंड में गर्मी का एहसास दिलाती है। अब आप कहेंगे कि कांगड़ी बनती कैसे है, तो मिट्टी के बने एक बर्तन को लकड़ी से कारीगरी करके उसे अंदर ऐसे फंसाया जाता है कि वो हिल डुल न सके। कश्मीर में बांस से मिलता जुलता विलो विकर नाम का एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी ही कांगड़ी बनाने में खास तौर पर इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद उसे पकड़ने के लिए लकड़ी को ऐंठ कर हैंडल बनाए जाते हैं जिससे कि पकड़ आसान हो सके और कोई भी इसे आसानी से पकड़ सके। दरअसल अंगारों से भरी इस टोकरी को कश्मीरी अपने फिरन के अंदर रखते हैं। फिरन मतलब एक ऊनी कपड़ा जिसे ये लोग सर्दियों में घुटनों तक पहनते हैं। इसे आप चलता फिरता हीटर भी कह सकते हैं। बाहर से आए पर्यटकों को इसका नाम पता नहीं होता, इसलिए वे इसे पोर्टेबल या मूविंग हीटर भी कहते हैं। वैसे कश्मीर की पारंपरिक कांगड़ी को अंग्रेजी भाषा में फायर पॉट कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि हीटर और गैजेट्स के जमाने में ये कांगड़ी कौन इस्तेमाल करता होगा, तो आपको बता दें कि ये सारे नए जमाने के उपकरण इस पारंपरिक कांगड़ी के आगे फेल है और इसके बिना कश्मीर की ठंड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दरअसल कश्मीर में कई जगहों पर बिजली की भारी किल्लत है, कई जगहों पर तो बिजली अभी पहुंची भी नहीं है, इसलिए कांगड़ी के बिना यहाँ जीवन संभव ही नहीं है। कांगड़ी को हमेशा गर्म रखने के लिए इसे सलीके के साथ गर्म किया जाता है। मिट्टी के कटोरे में सबसे पहले चूल्हे की गर्म राख डाली जाती है, फिर इस राख के ऊपर चिनार के कुछ सूखे पत्तों की एक परत बिछाई जाती है। इन्हीं सूखे पत्तों पर 2-3 धधकते कोयले डाल दिए जाते हैं। कांगड़ी बहुत देर तक गर्म रहे और ठंडी न पड़े इसके लिए धधकते कोयलों के ऊपर चूल्हे की गर्म राख की एक परत फिर बिखेर दी जाती है। अब चिनार के सूखे पत्ते भीतर ही भीतर सुलगते रहते हैं और इस तरह से तैयार और गर्म की गई कांगड़ी 3-4 घंटे तक आराम से गर्म रहती है और शरीर को गर्मी का एहसास देते रहती है। वैसे कांगड़ी का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि इसके इस्तेमाल के लिए आपको कुशल होना पड़ता है। कश्मीरी इसमें अभ्यस्त होते हैं इसलिए वे गर्म अंगारों के साथ धधकती कांगड़ी को लेकर चलते फिरते रहते हैं और अपने रोजमर्रा के काम भी बड़ी आसानी के साथ करते हैं। लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर पारंगत हो चुके लोग तो रात में बड़े ही आराम से बिस्तर में भी कांगड़ी को लेकर सो जाते हैं। हालांकि एक जोखिम भरा काम है लेकिन अनुभव के जरिए कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं। वजन में हल्की और छोटी होने की वजह से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस वजह से भी आम लोगों में कांगड़ी बेहद लोकप्रिय है।
कश्मीर में आपको कांगड़ी को फिरन के अंदर लेकर घूमते फिरते लोग बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन गर्मी में फायदेमंद कांगड़ी के कुछ नुकसान भी हैं। अगर कांगड़ी को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो चर्म रोग होने का खतरा बना रहता है। इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया तो चमड़ी से जुड़े रोग होने की आशंका भी बनी रहती है। कई बार ये चर्म रोग गंभीर रूप ले लेता है, जिसे कांगड़ी कैंसर भी कहा जाता है। कांगड़ी को सही ढंग से सेंकना और दरकते कोयलों को कांगड़ी में डालना अपने आप में एक कौशल है। कांगड़ी कश्मीर की एक खास पहचान रही है। कश्मीर घाटी में कांगड़ी के बिना सर्दियां गुजारना नामुमकिन है। वीके न्यूज के लिए कश्मीर से बट रूही की खास रिपोर्ट। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।